पैकेज के, ये सरयाब पैकेज के रोड्स हैं, ये सरयाब रोड के पैकेजेस हैं, और ये आप देख रहे होंगे कि ये रेड और ये ग्रीन। एक तो हम ये बन रहे वो रोड हैं जो इस वक्त बन रहे हैं, जो पिछले कई सालों से बंद थे, फिर हमने रिवाइज किए। रोड पे हम हैं वो ये वाला आपका रोड है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आ रहा है और यहाँ पीछे पीछे पीछे। अब उसमें क्वालिटी हम लोग इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी शहर के भी रोड बनेंगे ये पेव मशीनों से बन रहे हैं, और फिर सारे जितने भी इनकी ड्रेनेज है वो भी सारे इसी से। इन कंटिन्यूएशन सारे सरयाब और क्वेटा के जो ख़ास ख़ास काम हैं जिन पे एक थोड़ा सा हम सुपरविजन भी देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। सरयाब जो एक एरिया है इसमें तकरीबन कोई 94 किलोमीटर इंटरनल, मेन रोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल जिसमें गलियाँ हैं, स्ट्रीट्स हैं, कनेक्टेड स्ट्रीट्स हैं, ये वो काम सारे चल रहे हैं। और ये पहली दफ़ा है कि बलूचिस्तान में गलियों का काम भी हम पेवर मशीन से करा रहे हैं ताकि क्वालिटी ऑफ़ राइड और क्वालिटी ऑफ़ काम भी सारा हो। ये इसमें तकरीबन फर्स्ट फेज़ में तकरीबन आप देख सकते हैं कोई 31 किलोमीटर अभी तक रोड की बिछाई इधर हो चुकी है, और इसी तरह तकरीबन 50 किलोमीटर इनर और आउटर वॉल के ड्रेनेजेस का भी काम हुआ है, क्योंकि ड्रेनेज का रोड के साथ होना बड़ा ज़रूरी है। इसकी चेकिंग के लिए मैं वैसे अभी निकला हूँ ताकि ये फेज़ अपने जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और इन तकरीबन पसमानदा इलाकों के लिए जहाँ आप अभी आप कवर भी कर रहे होंगे, यहाँ आपको बहुत हाई सोसाइटी के लोग नज़र नहीं आएंगे, यहाँ आपको बड़ा एक मीडियम तबका या गरीब तबका नज़र आएगा जिनके कच्चे घर हैं, बाकी चीज़ें हैं, और जब तक आप उनको अच्छी सहूलत नहीं देंगे तो उनकी भी ज़िंदगी में एक आजाइश नहीं आ सकती है। सो ये एक सिलसिला है जिसमें हम ये सारा रोड नेटवर्क पूरा देख रहे हैं कि इनकी कनेक्टिविटीज़ किस तरह हैं, और ये पूरा इस तरह के तकरीबन कोई 8 रोड के पैकेजेस हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं, ये सिर्फ सरयाब एरिया के लिए हैं। ये इसमें से कुछ स्कीमात यकीनी तौर पे बड़ा चैलेंजिंग इसलिए था, ये कुछ स्कीमात ऐसे थे जो पता नहीं कितने सालों से बंद पड़े थे और कोई इनको स्टार्ट भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमने उनको फिर से स्टार्ट करवाया ताकि ये काम हो। और इसी तरह इसमें बहुत सारे नए कामों का जो सिलसिला है वो इस पूरे पैकेज में इस पार्ट ऑफ क्वेटा के लिए, जिसका काम इंशाल्लाह अभी शुरू है और आपके सामने है, इसकी मैं खुद देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कुछ रोड्स पे गया था, आज भी देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे उम्मीद है कि क्वालिटी ऑफ काम, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोचती, काम हो, मयारी काम हो, अच्छा काम हो, ताकि पायदार भी रहे और हमेशा के लिए रहे। देखिए इनमें जो पहली दफ़ा, यानी कि वो रोड जहाँ पहली दफ़ा ब्लैक टॉप रोड बन रहा है, ये तकरीबन कितने किलोमीटर इसमें होंगे? 96 किलोमीटर है सरयाब एरियाज के, 8 एरियाज हैं। ये आप सोचें कि ये जितने 96 किलोमीटर हैं, यहाँ पहले पक्का रोड नहीं था, ये पहली दफ़ा पक्के रोड बन रहे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं था, पहली दफ़ा एग्जिस्टेंस में आ रहा है, ड्रेनेज पहली दफ़ा बन रहा है। आपने देखा होगा ये ड्रेनेज क्वालिटी, मैं भी देख रहा हूँ, अभी तक तो पायदार थोड़ी लग रही है, पता नहीं कब तक ये चलेगी, लेकिन काम से थोड़ा बहुत क्वालिटी नज़र आ रहा है। इसी तरह आप देखें कि जो मैंने आपको बताया कि जो नवा किली वाला साइड है, जो बहुत बड़ा हमारा बाईपास है, वो पूरी नई आपकी आबादी है, लेकिन वो मेन रोड हम पहले बना रहे हैं, तो इन रोडों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70% ये जहाँ काम इस वक्त ये हो रहे हैं ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। ये था एक पुराना पैकेज भी इसमें था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन उसको हमने इम्प्लीमेंट फ़ौरन कराया है ताकि लोगों की सहूलत के लिए काम आए, और उसी के अंदर हमने एडिशन भी किया है, और यही अभी हमारा इरादा है कि ये इसी तरह के स्लोली एंड ग्रेजुअली हर साल क्वेटा के लिए अगर हम इंटरनल गलियों के लिए पैकेजेस रखें तो विद टाइम कंप्लीट होंगे। बल्कि हमारे जितने भी हलके हैं जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनमें भी अगर आप अभी विज़िट करें, हमारे जितने भी बहुत सारे MPs जहाँ सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ बहुत सारे नए रोड पहली दफ़ा बन रहे हैं, तो वो भी माशाल्लाह उनका भी फीडबैक बड़ा एक अच्छा आ रहा है। देखें नज़र तो मैंने आपको बताया ना कि मेरी अपनी प्रायोरिटी है कि मैं क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मेरी प्रायोरिटी रहती है कि काम मयारी हो, और जब आप काम मयारी लाएंगे बाकी खुद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हाँ, जहाँ अगर आपने काम की मयार पे या उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फिर जिन चीज़ों को हम कहते हैं कि जी यहाँ गबन हुआ है, बोगस हुआ है, बाकी कामें हुए हैं, तो फिर वो हर जगह होंगी, लेकिन जहाँ आपने अगर अपने डिपार्टमेंट से, कॉन्ट्रैक्टर से क्वालिटी का काम लिया, फिर वो बाकी सारे फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। और यही हमारा मेन मकसद है कि जो काम हमने टेंडर किया है, जो प्लान में है, वो अपने सही मेयार पे काम हो, जिसके लिए तकरीबन 4-5 इदारे हैं, एक इदारे पे भी मैंने पूरा नहीं रखा। डिपार्टमेंट अपनी मॉनिटरिंग खुद करती है, कमिश्नर्स को मैंने भी लगाया हुआ है, CMIT भी लगती है, और PND की भी एक टीम है, और उसके अलावा फिर माशाल्लाह आप लोग हैं,
सोशल मीडिया है, लोग इनपुट देते हैं कि जी यहाँ ठीक नहीं बना, यहाँ ख़राब हुआ, तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस, ये मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी का साथ साथ काम होकर चलता है। देखें, QDA ने तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। ये कोविड की वजह से कोई 4-5 महीने डिले हो गया है, लेकिन हम तकरीबन टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। क्वेटा का पहला मास्टर प्लान एक कंपनी को इंशाल्लाह मिलने जा रहा है, और वो मास्टर प्लान क्वेटा में डिफ़ाइन करेगा कि क्वेटा किस तरह होगा, क्वेटा के जोन क्या होंगे, कमर्शियल जोन क्या होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेटा में कोई 12 ऐसे बड़े बड़े रोड अभी बन रहे हैं, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। कोई कमरा बना दे, कोई होटल बना दे, कोई टावर बना दे, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब उसकी हम सबसे पहले तो उसकी हम रोकथाम कर रहे हैं कि उन रोडों के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ एक तरीके से होगी। और फिर पूरे क्वेटा की जो मास्टर प्लानिंग, इंशाल्लाह जब ये काम, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुलाई के महीने के नहीं, फिर अगस्त के महीने में जैसे जिस कंपनी को मिलेगी वो अपना जब काम शुरू करेगी, तो मेरे ख़्याल पाकिस्तान में CDA का पहला मास्टर प्लान है, और कराची के का भी अभी तक प्रॉपर मास्टर प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि क्वेटा के जो मास्टर प्लान है ये वो सारे फैक्टर्स को पूरा करे, और उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह क्वेटा आगे जाके अपनी जो भी डेवलपमेंट क्वेटा की होनी है ये उस मास्टर प्लान के तहत होगी। आप सिर्फ कैमरा से भी दिखा देंगे ना, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल कच्ची झुग्गियाँ मुग्गियाँ, कच्चे कमरे वगैरह सारी चीज़ें हैं। सो अब ये इस तरह के रोड्स निकालना, इनको थोड़ा सहूलत देना, क्योंकि शहर के अंदर भी अगर रहते हुए आपके पास, और मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे बिजली का नेटवर्क का भी कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, तो आप पहली दफ़ा रोड ले जाएंगे, फिर आपका बिजली आएगी, फिर आपकी ड्रेनेज भी आएगा। तो इस तरह के शहर के अंदर भी कई कई इलाके हैं जहाँ पर रोडों की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है, जो लोगों की एक रिक्वायरमेंट भी होती है, और ख़ासकर इस एरिया में जहाँ मैं और आप आज मौजूद है। और ये खास सर, इनके पहले रोड ये थे सामने वाले, ये जी ये कच्चे रोड अभी भी साइड पे है। हाँ। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पेवर से रोड्स यहाँ बनवाए हैं, और इस इलाके के लिए मेरे ख्याल यकीनी तौर पे आज हम देख रहे हैं मोटरसाइकिल भी जा रहा है, कार भी आ रही है। लोगों के रोड बनने से एक बड़ा अजीब तासुर हमारे मुल्क में है कि लोग समझते हैं कि जी रोड जो है ना वो पैसा ज़ाय करने वाली बात है। जो काम रोड करता है दुनिया में अभी तक किसी टेक्नोलॉजी ने नहीं किया। सहूलत आज हम देख रहे हैं 10 मोटरसाइकिल वाले, एक फैमिली अपनी गाड़ी में है, एक एम्बुलेंस आ रही है, वो उस कच्चे रोड से जाएगी, रोड भी ख़राब, बारिशों में जा भी नहीं सकते, टायर ख़राब, एम्बुलेंस में सवारी भी नहीं हो सकती। आज एक पेवमेंट रोड है, लोग पैदल भी, साइकिल में भी, मोटरसाइकिल में भी, बारिश भी 10 हो जाए कोई मसला नहीं होगा, अपने घरों तक कम अज़ कम जा सकते हैं। तो ये एक नेटवर्क है, इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा और बेहतर भी क्वेटा के लिए इंशाल्लाह करेंगे। सिंगल रोड और खाली है, जिनको अभी थोड़ा सा हम इसी को रिवाइज कर रहे हैं। बहुत से अगर वो दे देते हैं तो एक रोड हम ड्रेन के उस तरफ ले जा सकते हैं। 12 दिया, 12 फीट यहाँ पे सर हम लोग बना चुके हैं। 6 मीटर अवे फ्रॉम दिस वाली बाईपास है गाइस, यहां से भी कोई कनेक्टिविटी का है, लेकिन आपने ये करना है। आपको मेरा ख्याल अभी 500 रुपए फुट पे नहीं ले रहा हूं, सिर्फ मेरा इस रोड बनाने से आधा है, यानी ओवर आज डाला है 200 रुपए फुट है, जमीन रोड बनने से अभी 3000 हो जाएगा। बनाएंगे लोगों क्या पता इसमें गाड़ी तो पीएम के है, वो तो गुजर गया देखा जाने।